Second place, Yoshna Sabar, India. Medals in total. Third place, Yoshna Sabar, India. उनमें गुण था, प्रतिभा थी, पर उन्हें सही अवसर मिला नहीं था। दूर जंगल में खिले फूल के भाग्य में वहीं खिलकर खुशबू लुटाना और फिर मुरझा जाना होता है, पर उनकी किस्मत में वैसा नहीं लिखा था। अक्सर प्रतिभा की खोज कोई ना कोई कर ही लेता है और फिर उसे दुनिया जानती है, मानती है। वैसा ही कुछ हुआ था उनके जीवन में। भारोत्तोलन के क्षेत्र में उड़ीसा के लिए गर्व और गौरव लेकर आने वाली दो अनमोल एथलीट्स ज्योत्सना शबर और मीना सांता आज दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुई हैं। परंतु दूर जनजातीय ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अंतरजातीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की ज्योत्सना और मीना की सफलता की यह यात्रा इतनी आसान नहीं रही। गजपति जिले के पेकाट गांव के एक भील परिवार में जन्मी ज्योत्सना का बचपन गरीबी, तंगहाली और संघर्ष में ही बीता। शिक्षा लाभ हेतु ग्राम विकास विद्यालय में भर्ती होने पर उसके भीतर की क्रीड़ा प्रतिभा को बाहर झांकने का अवसर मिला और धीरे धीरे उनमें भारोत्तोलन के प्रति रुचि बढ़ती गई। ज्योत्सना की ही तरह संघर्ष और श्रम की गाथा मीना सांता की भी है। नवरंगपुर जिले के कुर्मा हांडी गांव में एक जनजाति परिवार में जन्मी मीना का बचपन समस्याओं के घेरे में रहा। SSD सरकारी बालिका उच्च विद्यालय में पढ़ते समय से ही भारोत्तोलन के प्रति मीना ने अपनी रुचि दिखाई। ज्योत्सना की भारोत्तोलन के प्रति रुचि पर सर्वप्रथम ध्यान दिया ग्राम विकास स्कूल के कोच श्री रमेश चंद्र पाढ़ी और ग्रास रूट कोच कालिया बेहरा, दोनों ने उन्हें बढ़ावा दिया। मैं इधर वेट लिफ्टिंग कोचिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ने इधर नेशनल स्टैंडर्ड का मैं निकल चुका हूँ और अभी जो ज्योत्सना सबर है वो इंटरनेशनल तक गया है। परिणाम स्वरूप उसके लिए आगे की यात्रा सुगम और गरिमामय रही। हर चुनौती का सामना करते हुए अपनी मेहनत, परिवार के सहयोग, कोच के मार्गदर्शन, सहपाठियों की शुभकामना और अध्यापकों के आशीर्वाद को पाथेय करके वह आगे बढ़ती गईं। स्टूडेंट बाहर करछे माने बहुत कष्ट पड़िया पड़छि किंतु सेमानकर बापा मा भी चेष्टा करियो पड़ियो सेमानको पिला अनु को किमिति कोन करि पठैबे सेमाने आमु टिके सपोर्ट करले आमे ताकु आउरी आगामी दिन रे आउरी सक्सेस करि पारु। मीना के लिए भी अवसर अपने आप बनते गए। राज्य के अभिज्ञ भारोत्तोलक अरुण व नकुल सांता के मार्गदर्शन में उन्होंने नियमित अभ्यास जारी रखा। मुँह गोटे भल लिफ्टर थी बोली गोटे भल उपदेश देखिए कहली फैमिली उपरे कि भविष्य ये भल लिफ्टर हो पार लिफ्टिंग रे कौन फायदा सब मुझे बुझेली। बाद में उन्हें शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक किशोर कुमार शील का भी मार्गदर्शन मिला। तार आग्रह तार उद्दीपना बहुत भल था खाली मुँह बोल कि नहीं समस्त पीटी सार मैंने बापा माँ मैंने समस्ते चाहतु निजर पिला कैरियर कराइप स्पोर्ट्स हॉस्टल कि हाई परफॉर्मेंस हॉस्टल को पठातु आउरी देशर ना कमातु। समस्त प्रतिकूल स्थिति में भी ना वो कभी निराश हुई ना ही अपने सपने को साकार करने का संकल्प त्याग किया कभी भी। मोर झी भुवनेश्वर जाय कर आउरी हमर अजा मैंने भी जाजरे चढ़ी नथिले आउ आमे भी न चढ़ीतिलु बहुत खुशी लगता। कहा जाता है सच्ची मेहनत व्यर्थ नहीं जाती कभी। ज्योत्सना और मीना की अथक मेहनत और निरंतर प्रयास से उनके लिए कई अवसर के द्वार खोल दिए। संयोगवश भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में ओडिशा टेनविक वेट लिफ्टिंग हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक आवासीय क्रीडाविद के रूप में ज्योत्सना का चयन हो गया प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु। साथ ही शिक्षा भी जारी रही किस नामक अनुष्ठान में। नियमित और उपयुक्त प्रशिक्षण द्वारा उन्होंने भारोत्तोलन के क्षेत्र में कई कदम आगे बढ़ाए। तार जो तिला निष्ठा परकाष्ठा तार कार्य दक्षता जो से आज एत आग को जापारी आम आज गर्वित अच्छे जेहेतु से आम बेस्ट फ्रेंड थी पिलादिन सांग। एक भारोत्तोलनकारी के रूप में मीना के सपने भी साकार होने लगे। टेनविक द्वारा उमरकोट में तृणमूल स्तर पर आयोजित प्रतिभा अन्वेषण कार्यक्रम में HPC के प्रधान कोच का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया।
और फिर उन्हें लाया गया भुवनेश्वर, जहां टेनविक के HPC में उनका प्रवेश हो गया। वहां पर उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण व अन्य सुविधाएं प्राप्त होने पर उनकी प्रतिभा व दक्षता का तेजी से विकास हुआ। खेल रे तार पिला बेल रु बहुत इंटरेस्ट रहुथला आउ सब बेले खेला खेली करथला आउ पाठरे भी तार बहुत भलो मार्क रखुथला। से छोटो गांव से जाइथला आम ओडिसा समस्त पे से गुटे उदाहरण हेकि रहइबो। ज्योत्सना के प्रशिक्षण और उल्लेखनीय सफलता के प्रदर्शन ने इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का ध्यान खींचा। पंजाब के पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय शिविर में उन्हें आमंत्रित किया गया। वहां पर राष्ट्रीय स्तर के कोच से प्रशिक्षण की सुविधा के साथ साथ देश के कई नामी भारोत्तोलक की सहभागिता का भी अवसर मिला उन्हें। एक भारोत्तोलक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। विभिन्न प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर उन्होंने सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। विभिन्न राज्य स्तरीय स्पर्धा जीतकर और एक के बाद एक पदक जीतकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उन्होंने रजत पदक जीता। आगे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी ली टेनविक वेटलिफ्टिंग HPC ने। ज्योत्सना की तरह मीना भी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के आमंत्रण पर पटियाला प्रशिक्षण शिविर में आई और वहीं पर देश के अन्य एथलीटों के साथ विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर आगे बढ़ने के अपने संकल्प को पूरा किया। उन्होंने भी कई राज्य व राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में पदक जीते। आगे उनके भविष्य को संवारने और तैयार करने की जिम्मेदारी ली टेनविक वेटलिफ्टिंग HPC ने। टेनविक से प्राप्त समुचित प्रशिक्षण से अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए ज्योत्सना और मीना अपने आप को तैयार करने लगी। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार भागीदारी पर इस तरह की सफलता बहुत ही कम मिल पाती है किसी को, जैसे कि ज्योत्सना को मिली। अल्बानिया के ड्यूरेस में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में 40 केजी स्नैच वर्ग में रजत और ओवरऑल वर्ग में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा द्वारा राज्य व देश का नाम बढ़ाया। यूथ चैंपियनशिप आउ इंडिया को रिप्रेजेंट कला एडम में बहुत खुश थी आउ मोर यूथ चैंपियनशिप रे ब्रॉन्ज मेडल थिला से हम बहुत खुश लगी। मु कहवाक चाहूँ आम कोच आउ ओडिशा गवर्नमेंट मो बापा माँ और टेनविक ग्रुप को थैंक यू मिली तक जो मुझे जगह छिड़ाई। छोटा छोटा बच्चे जो स्टैंडर्ड फिफ्थ में पढ़ाई करते हैं, 5-6 बच्चे काल आकर बोले हैं मुझे, सर हम लोग ज्वाइन करेंगे वेट लिफ्टिंग में, क्यों ना हम लोग ज्योत्सना नानी जैसे बनना है। वो जो बात है बच्चे का इंस्पिरेशन बन गए हैं ज्योत्सना। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता एवं संप्रति ओडिशा पुलिस विभाग में कार्यरत श्री रवि कुमार जी की कोचिंग भी उनके लिए वरदान साबित हुई। उसका जो ट्रेनिंग का जो सिंसियरिटी है और हार्डवर्क है उसको देखते हुए हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। उसने अपने आप को प्रूव किया इंटरनेशनल लेवल पे और उसने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमें एक सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने दे पाए। I worked with her even at such a young age. She knew what to do and how to do, and she did it with discipline. And she followed through whatever is to be done. And now she is where she is, and I'm so proud of her that she got a medal in world championship. वहीं दूसरी तरफ मीना की सफलता की कहानी भी कम नहीं है। मीना ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया तो था जरूर, पर कोई पदक ना जीतने पर भी उनकी शक्ति, कार्य दक्षता और कुशलता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मीना के रूप में एक संभाव्य भारोत्तोलक को देख रहा है देश का भारोत्तोलक समुदाय और हर क्रीडा प्रेमी एवं क्रीडाविद। उनको लेकर टेनविक भी आशावादी है। अपने क्षेत्र के अन्य क्रीडा प्रतिभाओं के लिए वो एक रोल मॉडल साबित हुई हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वालों को मैं बहुत बहुत खुशी थी। कोचेस मोर माँ बापा ओडिशा गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करुची, बहुत हेल्प करुची, सेतेपाई धन्यवाद ओडिशा। प्राक्तन ओलंपियन और इस समय टेनविक वेटलिफ्टिंग HPC के माध्यम से अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हो रही हैं ज्योत्सना और मीना। ज्योत्सना और मीना की इस सफलता की कहानी के पीछे है ओडिशा टेनविक वेटलिफ्टिंग HPC तथा ओडिशा सरकार का क्रीडा व युवा विकास विभाग, राज्य सरकार के सहयोग और ओडिशा टेनविक वेटलिफ्टिंग HPC के प्रयास से
ज्योत्सना और मीना की तरह ग्रामीण क्षेत्र की कई अनजानी अनसुनी प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा से सारे देश व विश्व के सामने उभर कर आई हैं, जो ओडिशा के लिए गर्व का कारण बना है। ज्योत्सना और मीना जैसी योग्य प्रतिभाओं को परख कर आगे लाना और सही प्रशिक्षण देकर उन्हें राज्य व देश की प्रतिनिधि बनाकर विश्व के पटल पर स्थापित करने का अपूर्व दायित्व का संपादन कर रहा है टेनविक स्पोर्ट्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। द मिशन ऑफ द कंपनी इज हेल्पिंग पीपल एंड बिजनेसेस लर्न एंड ग्रो फ्रॉम स्पोर्ट्स इन इट्स माइराइड फॉर्म्स एंड द वैल्यूज ऑफ द कंपनी आर प्राइड इन परफॉर्मेंस इंटीग्रिटी पीपल सेंट्रिसिटी एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। टेनविक स्पोर्ट्स टू इंश्योर विक्ट्री अर्थात विजयी सुनिश्चित करने के लिए टेनविक स्पोर्ट्स। इसी विचार और आदर्श के प्रति समर्पित प्रतिष्ठित एक गैर संस्कारी क्रीडा प्रशिक्षण और सलाहकार संगठन है टेनविक। भारतीय क्रिकेट जगत के प्रवाद पुरुष स्पिनर अनिल कुंबले के नेतृत्व वाले इस संगठन का लक्ष्य है क्रीडा के माध्यम से जनमानस में सकारात्मक परिवर्तन लाना। We at Tenvik are extremely proud and honored to be associated with the government of Odisha under the able leadership of Sri Naveen Patnaik ji. Over the last 3 years, we've been able to nurture, identify and build talent through the weightlifting program in the state of Odisha. We are grateful to the KS Ahluwalia group for their support in our endeavor. And I'm extremely happy that two of our athletes, Joshna Sabar and Meena Santa, have been selected to the NCOE. I wish them all the very best. कई प्रतिष्ठित प्राक्तन क्रीडाविद, कोच, प्रबंधन विशेषज्ञ, तकनीकी विद्या विशारद के रूप में मशहूर व्यक्तित्व इस संगठन के सहयोगी हैं। This is a delightful moment for the Tenvik family. 5 years of effort selecting students from the hinterlands in Odisha have resulted in Joshna Sabar representing India and winning an international medal today. A great milestone for us to take a pause at. Look at how things have gone and build on from here. इन विशिष्ट व्यक्तियों के सुदीर्घ अनुभव से संगठन को अपार सफलता प्राप्त हुई है। अब तक टेनविक के तृणमूल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर से ही योग्य और प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज और चयन बहुत ही कार्यकारी और उपयोगी सिद्ध हुआ है। It is not about only the high performance center we are managing here. It is about building the foundation. So where we look after the development of grassroots centers, grassroots becomes a very crucial part of weightlifting development all across the state. विशेष रूप से शहरी सुख सुविधाओं से दूर ग्रामीण क्षेत्र में जो विलक्षण और होनहार प्रतिभा जनता की नजर से दूर रहती आई है, उन्हें चुनकर उनका भविष्य सवारना टेनविक ने अपना उत्तरदायित्व माना है। आवासीय क्रीडा प्रशिक्षण के अतिरिक्त उनकी शिक्षा की भी होम स्कूलिंग के माध्यम से व्यवस्था हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग दे रही है। ओडिशा टेनविक वेटलिफ्टिंग HPC के इस तृणमूल कार्यक्रम द्वारा ही ज्योत्सना और मीना को एक सशक्त मंच मिला था पहचान बनाने के लिए। क्रीड़ा के क्षेत्र में ओडिशा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की दूर दृष्टि के फलस्वरूप राज्य सरकार के क्रीड़ा व युवा विकास विभाग की सहयोगिता से राज्य में कार्यरत है टेनविक स्पोर्ट्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। When I thinking for the girl every time I'm smiling because so sweet everybody and so good lifters and I want to help to reach world performance. भारोत्तोलन की प्रतिस्पर्धाओं के लिए अधिकाधिक प्रतिभागी तैयार करने का लक्ष्य लेकर भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम में सक्रिय है बीजू पटनायक वेटलिफ्टिंग हाई परफॉर्मेंस सेंटर। इस संस्था में भारोत्तोलन प्रशिक्षण से संबंधित हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जिसके कुशल देखरेख एवं सही दिशा निर्देश के लिए देश विदेश के योग्यतम कोच, डाइटिशियन, सलाहकार एवं प्रबंध विशेषज्ञ एवं अन्य अधिकारी नियोजित हैं। जो प्रकार खाइबा रहिबा सेई पर माने बहुत सारा फैसिलिटी आमति के एठी मिलला। मु चाहौ छी एठू मु इंडिया को रिप्रेजेंट करी इंटरनेशनल प्लेयर बनिया पई।
ଫାଷ୍ଟ ଟେନ୍ବିଗ୍ରୁ ହିଁ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି ୟୁଥ୍ରେ। ତ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆସିଛି ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସରେ। ଆସିଂ ଦ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେ ଆର୍ ଫିଲିଂ ଇମୋସ୍ନାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଅର୍ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ଦେୟାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଅପ୍ to the upper management so that they can resolve them। My basic role is to work with the coaches and the physios together to work on basically performance enhancement and injury prevention mainly। Kalinga Stadium ke atirikt Barhampur mein bhi sakriya hai Ganjam Weightlifting Academy। Dhenkanal mein ek sub center karyakari hai tatha agami dinon mein alag alag jilon mein 47 nagar mein bahumukhi indoor hall kholne ki yojana hai, जहां दो भारोत्तोलन मंच भी रहेंगे। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ श्री आर विनिल कृष्णा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी विल बी हैविंग 47 ग्रास रूट वेटलिफ्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स एट 47 अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस ओडिशा। आग चिंता करिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्टर पार्टिसिपेशन रहू, आ खास करी सबू कैटेगोरी रे भी रहू, प्रत्येक डिस्ट्रिक्टर पार्टिसिपेशन जो दिन हमरो सक्सेस हो जीवो से दिन मोर निजस्व मत हमें निश्चिंत ओलंपिक मेडल ओडिशा को देंगे। टेनविक के इस अनोखे प्रयास से हमें आशा है ओडिशा से ज्योत्सना और मीना की तरह और भी कई खिलाड़ी आगे आकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु ओलंपिक्स में भी सफलता का झंडा फहराएंगी।